So, excuse me students, there was an interruption. तो पैसिव का जो फॉर्मूला है वो ये है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। यानी इसमें जो प्रिंसिपल वर्ब आता है उसकी सिर्फ तीसरी फॉर्म आती है। एक मिसाल लीजिए, द मैड डॉग वॉज किल्ड बाई माजिद, ऑब्जेक्ट मैड डॉग वॉज हेल्पिंग वर्ब, किल्ड प्रिंसिपल वर्ब, तीसरी फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप एक दफा फिर गुजर गए एक्टिव और पैसिव के मामले में, और मेरा ख्याल है कि अब आप बेहतर तरीके से इसको समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं अगर आपने मश्क सी कर ली है तो फिर हो नहीं सकता कि आप समझ ना पाए। अब ये एक टेस्ट है जिससे हम देखते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना याद है। ये टेस्ट बड़े होते जाएंगे जो जो आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इन दो फिक्रों पर गौर कीजिए। ए गुड वॉच स्टोल इन द ट्रेन, इसको गलत कहा कि ए गुड वॉच जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब जब कोई फिक्रा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है तो इसे आखिर तक ऑब्जेक्ट ही रहना चाहिए। यह नहीं कि यहां से आप इसको एक्टिव की तरह ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा करें पैसिव की जरूरत को। क्या है जरूरत? पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। ये ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं, गलत। यहां हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। वॉच वॉज, और अगली बार खुद ही जो गलत हो गई है उसे भी सही कर दें। स्टील स्टर्न स्टर्न, हमें तीसरी फॉर्म की जरूरत है। ए गोल्ड वॉच वॉज स्टर्न इन द ट्रेन, क्या हुआ था? हमने फिक्रे को पैसिव अंदाज में शुरू किया और फिर हम एक्टिव की तरफ मुड़ गए, ऐसा नहीं था। ए गोल्ड वॉच वॉज स्टोलन इन द ट्रेन, ए गोल्ड वॉच वॉज स्टोलन इन द ट्रेन। एक्टिव फिक्रा शुरू हो तो आखिर तक एक्टिव ही अंदाज हो उसका, बारह में से किस में जा रहा है। अगर पैसिव है तो उसके पास, आपके पास आठ हैं चॉइसेस जो है। देखिए किस टेंस का फिक्रा है और इसको कैसे बदलना है। वो जो चार्ट एक्टिव और पैसिव का बना है उसे बार बार देखिए कि इनकी तरतीब क्या है। ये तरतीब है पैसिव की। वॉक्ड शी लास्ट इवनिंग, क्या कल शाम उस लड़की ने सैर की? क्या कल शाम उस लड़की ने सैर की? क्या गलती हुई? मैं इसे गलत करार दिया है। गलती ये हुई है कि वॉक्ड जो प्रिंसिपल वर्ब है इसको बाहर लगा के तो सवाल बना दिया गया है। नो, आप प्रिंसिपल वर्ब को बाहर निकाल कर सवाल नहीं बना सकते। Walked she last evening, किस टेंस का फिक्र है?
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो उसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो इसने हेल्पिंग वर्ब को सप्लाई नहीं किया, सीधा वाक पे चला गया। पास्ट में जो कायदा मैं तुम्हें समझाया है, सवाल बनाने के लिए आप डिड इस्तेमाल करते। डिड शी वाक लास्ट इवनिंग, नाउ इट इज ओके। माजी में सवाल बनाना हो तो डिड से बने, प्रेजेंट में बनाना हो तो डू या डस से बनेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट डस, और बाकी हर जगह डू। ये सवाल और मनफी बात है। एक बात जो मैं दोबारा कह रहा हूं, पता नहीं उधर हुई है या नहीं, जो है कि फिक्रा सवालिया भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ही हेल्प्ड मी, इस फिक्रे को देखिए, ये नेगेटिव है, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया गया, सही। आप सवाल बनाना है तो पहला हेल्पिंग वर्ब जो है इसी को बाहर लाइए, ये सवाल बन गया। और गलती ये होती है कि स्टूडेंट हैज के साथ नॉट भी बाहर लगा देता है, हैज नॉट गर्ल, हैज नॉट नहीं हो सकता, नॉट अपनी जगह रहेगा, ये पढ़ा है, हैज पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद पढ़ा है। और आप गलती ये कह रहे हैं कि हैज तो बाहर निकाल लिया लेकिन साथ भी नॉट निकाल दी, नहीं ये सही नहीं हो सकता, अकेला है। अब आइए आप हेल्पिंग फेल की तीसरी फॉर्म को याद कर रहे हैं। मैं एक आपको एक ऐसे वर्ब से मुतारफ करवाता हूं जो आमतौर पर गलत किया जाता है। देखिए ये फाल है, ये फेल है, He fell an old tree. उसने एक पुराना दरख्त गिरा दिया। Fall, गिराना। He fell from the tree. वो दरख्त पे से गिर पड़ा। अब इसकी तीसरी शक्ल देखिए, ये जो सबसे ज्यादा गलतियां करवाती है। इधर ध्यान करें, पहली फॉर्म फेल है, ये जो दूसरी फॉर्म है ना फाल की, उसे भूल गए, वो ही यहां पहली बन गई, फेल पहली फॉर्म, फेल्ड दूसरी फॉर्म, फेल्ड तीसरी फॉर्म, और इसके माने गिरना नहीं, गिराना है। अच्छी तरह समझ लीजिए, दोनों अलग अलग वर्ब है, अगर आप उलझाएंगे गलत हो जाएगा। फेल के मानी है गिराना, ही फेल्ड, एन ओल्ड ट्री, उसने एक पुराना दरख्त गिरा दिया, खुद नहीं गिरा वो, दरख्त गिरा दिया। अब आप यहां फाल की कोई फॉर्म लिख दें, फालन लिख दें, फाल लिख दें, फिक्र गलत हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।